बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में एक बार फिर बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल थाना सिंघावली अहिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक 25,000 रुपए का इनामी D51 गैंग का बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाश शानू के पास से पुलिस ने एक पैशन मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद किया है। पकड़ा गया बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है और वो टॉप 10 की सूची में शामिल है, जिस पर लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के 16 मुकदमे भी दर्ज हैं। जनपद बागपत के थाना सिंघावली अहिर में यहाँ पर चेकिंग लगी हुई थी। सूचना ये थी कि यहाँ से कुछ बदमाश यहाँ से पास करेंगे। इस सूचना पर पुलिस पार्टी एक्टिव थी, जब यहाँ पर एक मोटरसाइकिल से 25,000 के इनामी बदमाश शान मोहम्मद ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो पुलिस पार्टी ने उसको चेस किया। उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। रिटेलिएटरी फायर में शान मोहम्मद घायल हो गया है। शान मोहम्मद के ऊपर जनपद स्तर से 25,000 रुपये का इनाम है। ये सिंघावली अहिर थाने का हिस्ट्री शीटर है, 407A इसकी हिस्ट्री शीट का नंबर है और ये थाने के टॉप 10 क्रिमिनल्स में भी है। ये अभी थोड़े दिन पहले हुई एक मुठभेड़ जिसमें जहीर नाम का बदमाश घायल हुआ था, ये उस दिन भी उसके साथ था और मौके से फरार हो गया था। तो वहीं दूसरी मुठभेड़ इटावा के बकेवर के सुन वर्षा ब्रिज के पास हुई, जहां चेकिंग कर रही पुलिस का बदमाशों से आमना सामना हो गया। दरअसल चेकिंग कर रही पुलिस टीम को सूचना मिली थी कुछ बदमाश एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को पुलिस की गोली लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर ने सूचना दी कि इधर सोनपुरवा पुल के नीचे कुछ संदिग्ध बदमाश देखे गए हैं, शायद इन पर हथियार भी देखे। जैसी इन्हें सूचना प्राप्त हुई, ये अपनी टीम के पास यहाँ आए। इन्हें बदमाशों को जैसे ही ललकारा, ये भागने लगे। इन्हें रोकने के लिए, समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने भी अपना फायरिंग की। उस क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश के गोली लगी है और जब इनकी तलाशी ली गई, बाकी 5 लोग और पकड़े गए हैं। पूरा का पूरा गैंग यहाँ पे आज संयुक्त रूप से जो हमारी दोनों टीमें हैं इन्होंने पकड़ा है। उनके पास से 60,000 रुपये, जो अभी आप लोगों को शायद ध्यान हो, 19 तारीख में एक हाईवे पे लूट की घटना हुई थी। एक किसी कंपनी का एजेंट था जो लेके जा रहा था पैसे बकेवर से, उसको लूट लिया था, उसकी मोटरसाइकिल भी लूट ली थी, तो वो सब आज यहाँ पे रिकवर हो गए हैं। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से एक कार, अवैध हथियार और 19 अगस्त को लूटी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पंजाब केसरी के लिए बागपत से विवेक कौशिक और इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।